डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन करेंगे, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम। और इसके आगे भी हम कुछ कॉन्सेप्ट इसका बताएंगे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ क्या है? कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए ट्रेंगुलर लोड, इसी को ट्रेंगुलर लोड बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि लोड इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है आपका? मैक्सिमम लोड है, ठीक है ना, डब्लू। तो जीरो से क्या वेरी कर रहा है? डब्लू, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझिएगा। एक तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन पढ़ रहा है, तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या होता है? ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स, ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, ये याद होगा आपको, ठीक है। नहीं याद है तो लेक्चर नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं, लेक्चर नंबर 91 से ही शुरू हुआ था, काफ़ी सारा लेक्चर अभी तक कर चुके हैं और अभी आगे भी काफ़ी सारा लेक्चर करेंगे हम लोग, तो ज़रूर बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 91 में हमने इसको बहुत डिटेल से समझाया था, ठीक है। अब आइए इसकी बात करें, यहाँ पर जो है इसका क्या होगा? कुछ डिफ्लेक्शन होगा, इस तरह से होगा कि नहीं डिफ्लेक्शन? ये जो है कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा, और ये डिफ्लेक्शन जो है आपका, यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लोड क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा। डिफ्लेक्शन जो भी होना होगा, मैक्सिमम तो यही डिफ्लेक्शन होगा, और एट एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा और स्लोप भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर डब्लू लोड लग रहा है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर एक्स इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि एट डिस्टेंस एक्स पर, एट डिस्टेंस एक्स, कहीं भी हम एक एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, तो एक्स डिस्टेंस पर ये मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस है, ये कितना बचेगा आपका? क्या ये एक्स है तो ये एल माइनस एक्स बचेगा कि नहीं? और यहाँ पर एक्स पर डिफ्लेक्शन कितना है? वाई। और ये एल पर डिफ्लेक्शन ये ओ माने हैं, सॉरी इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो जीरो तो हमने इसका दिखाया था कि जीरो लोड है, ये वाई भी डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितना लोड होगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि लोड तो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ जीरो है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर कितना लोड होगा? तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझा रहा हूँ, ये कोनिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। देखिए इसको जो है, ये लोड यहाँ पर है कुछ ऐसा, यहाँ पर लोड जीरो है, यहाँ डब्ल्यू है, और ये ऐसे घटते गया है, घटते गया, यहाँ जीरो हो गया है। और यहाँ पर जो है हमको निकालना है इस एक्स एक्स डिस्टेंस पर कि ये कितना लोड है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि डब्ल्यू एक्स लोड है, यहाँ पर डब्ल्यू एक्स लोड है, और ये लेंथ कितना है आपका एक्स, और ये लेंथ कितना हो गया आपका एल माइनस एक्स, और टोटल लेंथ कितना है एल। ट्रेंगल देखिए, यहाँ पर ये मान लीजिए ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और ये क्या है ई है। तो देखिए फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल। अब दो सिमिलर ट्रेंगल है कहां पर, यहां पर। तो देखिए ट्रेंगल जो है यहां पर, ट्रेंगल ए बी सी, बड़ा वाला ए बी सी एंड ए बी सी, और दूसरा डी बी ई, लिख सकते हैं क्या, ट्रेंगल डी बी ई, ठीक है, ट्रेंगल डी बी ई, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ट्रेंगल ए बी सी में ये ए सी अपॉन डी ई लिख सकते हैं क्या, ए सी अपॉन डी ई इक्वल टू बड़ा बाप अपन छोटा बाप, और ये बड़ा डिस्टेंस एल अपन छोटा डिस्टेंस एल माइनस एक्स, एल अपन एल माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखिए तो, और ए सी अपन डी को क्या लिख सकते हैं, ए सी कितना है डब्लू, और ई डी कितना है या डी ई डब्लू एक्स, ये क्या हो गया डब्लू अपन डब्लू एक्स। तो डब्लू एक्स क्या हो गया, डब्लू एक्स निकालेंगे तो डब्लू अपन एल इंटू एल माइनस एक्स, ये आपका डब्लू एक्स निकल गया। तो डब्ल्यू एक्स मतलब यहाँ का लोड निकल गया, तो यहाँ डब्ल्यू एक्स जो है कितना निकला आपका, डब्ल्यू
बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, यही निकला, ठीक है, डब्लू बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स निकालेंगे, यही सेक्शन एक्स एक्स है आपका, तो हम निकालते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है ना, तो एम एक्स इक्वल टू, एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये ट्रेंगुलर लोड, ट्रेंगल का लोड पहले निकालें, लोड इंटू डिस्टेंस यही होता है, तो लोड, और अच्छा ये क्या करेगा ऐसे निकालेगा, तो माइनस माइनस डब्लू बाई एल इंटू एल माइनस एक्स क्या होता है, ट्रेंगल का लोड क्या निकलेगा, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो बेस कितना है ये एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स इंटू, अब डिस्टेंस कितना लेंगे इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी का भी जो है इधर से कितना होता है टू एच बाई थ्री, मतलब टू एल बाई थ्री, टू एल बाई थ्री, और इधर से कितना होता है एल बाई थ्री, तो टोटल डिस्टेंस कितना है एल माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एम एक्स जो है ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो माइनस डब्लू एल माइनस एक्स का क्यू अपन सिक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग ई आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डब्लू एल माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई ट्वेंटी फोर प्लस सी वन हो गया। टू फाइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप, टू फाइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट बाउंड्री कंडीशन, पुट बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या है आपका, एक्स पे जीरो, एक्स जब जीरो होगा डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स क्या कर दिया आप, जीरो कीजिए और इधर जीरो, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये एक्स इधर जीरो हो गया तो कितना हो गया, डब्लू माइनस डब्लू एल टू द पावर फोर अपन ट्वेंटी फोर प्लस सी वन, तो सी वन कितना निकल करके आ गया, डब्लू एल टू द पावर फोर अपन ट्वेंटी फोर, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी वन इक्वल टू डब्लू एल टू द पावर फोर ट्वेंटी फोर रख देंगे, तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन जो निकलेगा ई आई अपन डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्लू एल माइनस एक्स टू द पावर फोर अपन ट्वेंटी फोर प्लस डब्लू एल टू द पावर फोर अपन ट्वेंटी फोर, ठीक है। ठीक है, ये आपका स्लोप का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका स्लोप का जनरल इक्वेशन। अब स्लोप हमें निकालना है, कहाँ निकालना है, जहाँ भी आपको निकालना हो, थीटा इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू एल पर निकालना हो इंड पॉइंट पर, तो यहाँ पर एट एट इंड, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा एल, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे एल, तो एक्स इक्वल टू एल आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तो ये तो टर्म ही जीरो हो जाएगा पूरा, क्या बचेगा डब्ल्यू एल टू द पावर फोर ट्वेंटी फोर, दैट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स एट कहाँ पर, बी पर, बी मतलब क्या, एट इंड पॉइंट पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल टू द पावर फोर ट्वेंटी फोर ई आई। अब ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं कि डब्ल्यू एल टू द पावर फोर आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया किसका, स्लोप का, ठीक है, ये इक्वेशन किसका आ गया,
स्लोप का। ठीक है, आगे बढ़े हम, इसको आगे बढ़ाएं कहानी को। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे दैट मीन्स क्या आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन। क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके जनरल इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर कर रहे हैं हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड डिफ्लेक्शन इंटीग्रेट इंटीग्रेट द स्लोप इक्वेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स टू द पावर फोर अपन 24 प्लस डब्ल्यू एल टू द पावर फोर 24, और ये पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा, डी वाई बाई सॉरी ई आई वाई रख लीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स टू द पावर ये 5 आ जाएगा, और 24 और ये 5 नीचे आएगा कि नहीं, तो 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 120, और प्लस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 बाई 24 एक्स एक्स प्लस सी टू। ठीक है ना, टू फाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना रहेगा, कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो डिफ्लेक्शन इज जीरो। देखिए यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो एक्स जब जीरो रखेंगे और ये जीरो रख देंगे तो जीरो, और ये डब्ल्यू एल टू द पावर 5 अपॉन 120 प्लस सी टू, तो सी टू कितना निकल गया, डब्ल्यू एल टू द पावर 5 अपॉन 120। तो यहाँ पर अब रख दें अपन डिफ्लेक्शन इक्वेशन, डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन एक्स क्या निकला, माइनस डब्ल्यू और एल माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 120 ई आई प्लस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 24 ई आई इंटू एक्स प्लस सी टू। सी टू अभी कितना निकला आपका, डब्ल्यू एल टू द पावर 5 बाई 120, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 120 ई आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जनरल इक्वेशन फॉर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, जनरल इक्वेशन फॉर द डिफ्लेक्शन फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, ये जो आपका क्या था, कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर बीम के ऊपर जो है आपका कौन सा लोड लग रहा था, ट्रायंगुलर लोड। ये क्या हो गया आपका, ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, अब यहां पर ट्रायंगुलर लोड जो है ये लग गया आपका। अब यहां पर एट एक्स इक्वल टू एल पर आप स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल दीजिए, मतलब इस पॉइंट बी पर क्या निकलेगा, जब एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तो ये जीरो, ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल टू द पावर 5, एक्स की जगह पर एल रखेंगे तो 24 ई आई प्लस डब्ल्यू एल टू द पावर 5 अपॉन 120 ई आई। इसको सॉल्व कर देंगे आप, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई बी, या आप कहें तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन निकलेगा कितना निकल करके आ रहा है, डब्ल्यू एल टू द पावर 5 अपॉन यहाँ पर 30 ई आई निकल करके आएगा। इसको आप एलसीएम लेंगे तो 120, और ऊपर में इधर 5 प्लस 1 6 6 120 30, ये आपका निकल गया स्लोप। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा राम कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने ट्रायंगुलर लोड के लिए कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से एट दिस सेक्शन हम लोड निकाल सकते हैं, लोड निकाले हैं, फिर डबल इंटीग्रेशन मेथड से
ये हमने किया है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा हमने किया, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाले और ये स्लोप का जनरल इक्वेशन निकल गया। क्या निकल गया? जनरल इक्वेशन फॉर स्लोप। ठीक है, उसके बाद जो है जनरल इक्वेशन फॉर स्लोप निकालने के बाद स्लोप एट एंड पॉइंट पे निकालना हो बी पर, तो ये बी पर स्लोप निकाल लिए। ठीक है, बी पर स्लोप निकाल लिए और फिर इस डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए स्लोप वाला जो इक्वेशन निकला था इसको हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया, फिर से बाउंड्री कंडीशन रखे, बाउंड्री कंडीशन से ये आ गया और फिर हमारा डिफ्लेक्शन ये निकल गया, डिफ्लेक्शन का जनरल इक्वेशन। और इस जनरल इक्वेशन के हेल्प से अब x इक्वल टू जो भी वैल्यू आप रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया जो भी वैल्यू है, तो ये आपका ये निकल करके आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अभी जैसे समझिएगा इसको, अभी जैसे था हमारा कि कैंटिलीवर बीम में इस तरह का था कुछ क्वेश्चन, इस तरह का देखिएगा, ये था आपका। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, ये आपका यदि जो है ऐसा आ जाए तो इसका क्या जनरल इक्वेशन फिर डिराइव करेंगे? तो जी हाँ, इसका दो तरीका है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये W है आपका, यहाँ भी और यहाँ भी W है, होगा ही। तो आपको क्या करना है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है और ये हमने आपको बता दिया और क्वेश्चन में ये पूछ दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बचपन में पढ़ाया जा चुका है, आपको बचपन में पढ़ाया जा चुका है क्या, कैंटिलीवर बीम पर UDL। ठीक ना, ये मान लीजिए एक नंबर हुआ, ये आप दो नंबर में पूरा UDL मान लीजिए। ठीक ना, ये पूरा जो है आपका UDL हो गया, कितना का W, थ्रो आउट W हो गया कि नहीं, तो पूरा का पूरा W हो गया। तो ये दो है, तो इस दो वाले में से पूरा का पूरा W, मतलब एक तरह से रेक्टेंगल बन गया ये। ठीक ना, और इस रेक्टेंगल में से ये वाला ट्रेंगल गायब कर देंगे तो ये ट्रेंगल बच जाएगा कि नहीं। तो ये थ्री निकालने के लिए, थ्री निकालने के लिए आपको टू माइनस वन करना पड़ेगा। कैसे? जैसे थीटा निकालना है तो थीटा टू ऑफ थीटा वन और वाई ऑफ थ्री, डिफ्लेक्शन इसका निकालना हो थ्री का तो वाई टू का पहले निकाल लीजिए डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट और माइनस वाई वन इसका निकाल लीजिए, क्योंकि ये हम बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं। ठीक ना, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। इस तरह का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि यू विल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मैकुली मेथड्स लेंगे, उसके थ्रू जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। महंगी में रहो कि सस्ती में रहो, मस्ती में रहो। जंगल में रहो कि बस्ती में रहो, मस्ती में रहो। अस्त रहो कि व्यस्त रहो, हमेशा मस्त रहो। तो जीवन जीने का यही मूल मंत्र है। तो थोड़ा सा पढ़ने पर समय दीजिए, सिनेमा, क्रिकेट या अनर्गल गपशप, ये सब जीवन में बहुत मौके मिलेंगे। ना मिला तो भी अच्छी बात है, फालतू चीज़ों को देखने के बजाय हमारे वीडियो को देखिए, तो आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा, आप जीवन में कुछ सीखेंगे, जीवन में नित नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और खूब वीडियो देखिए, वीडियो को थोड़ा प्रमोट कीजिए। अच्छा, एक और चैनल है अपना जीवन दर्शन के नाम से, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, तो वो भी बहुत प्यारा सा वीडियो है उसमें, तो देखिएगा। ठीक है।